नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एटोमी टीम वारियर की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एटोमी इंडिया के ऑफिशियल कंपनसेशन प्लान के बारे में। और कंपनसेशन प्लान, जब आप एटोमी ज्वाइन करते हो तो ज्वाइन करने के बाद आपको कौन कौन से 5 टाइप्स के प्रॉफिट होते हैं, तो उसके बारे में हम एटोमी के सेकेंड पी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि एटोमी 3 पी के ऊपर काम करती है। फर्स्ट पी एटोमी का प्रोफाइल होता है, सेकेंड पी एटोमी का कंपनसेशन प्लान है, और थर्ड पी होता है हमारा प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पे आप आज सेकंड पी के बारे में बात करेंगे, एटोमी का कंपनसेशन प्लान, पे आउट प्लान, 5 टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ कंपनसेशन प्लान। अगर आप एटोमी ज्वाइन करते हो तो 5 प्रकार के कौन से बेनिफिट्स हैं जो आपको और आपकी पूरी टीम को होने वाले हैं। और अभी तक अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ पे एटोमी की ऑफिशियल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और अभी तक सर आपने एटोमी ज्वाइन नहीं किया तो आप इस कंपनी को ज्वाइन कीजिए, टीम वर्क के साथ आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम एटोमी का कंपनसेशन प्लान। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एटोमी इंडिया का बेहद यूनिक कंपनसेशन पे आउट प्लान प्रेजेंटेशन। और आई होप एटोमी का जो पे आउट प्लान है बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया है एटोमी इंडिया ने, और वो प्लान मैं आपको प्रेजेंटेशन करने जा रहा हूँ। और आशा है कि आपके अगर कुछ डाउट्स होंगे तो वो यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। तो आगे बढ़े उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हाईलाइटेड, तो वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले, एटोमी में रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं है। दूसरी कंपनी में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फीस पे करना होता है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एब्सोल्युटली फ्री है। सेकंड पॉइंट है, नो एनुअल फीस। एटोमी में एक बार आप ज्वाइन हो जाते हो तो यहाँ पर हर साल आपको कोई एनुअल फीस नहीं देनी होती है एब्सोल्युटली। दूसरी कंपनीज में आईडी रिन्यू करने के लिए हर साल आपको फीस पे करना होता है, तो वो कंडीशन यहाँ पर नहीं है, नो एनुअल फीस। थर्ड जनरेशन इनहेरिटेंस, अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो, अपने लिए काम कर रहे हो, अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है तो आपकी आईडी आपके बच्चों को और उनके बच्चों को लाइक दैट आपके 3 जनरेशन का फ्यूचर आप सिक्योर कर रहे हो, यानी कि वो आईडी ट्रांसफ़र होती है आपके 3 जनरेशन के लिए। तो आप एटोमी में काम कर रहे हो आप अपने आने वाले 3 जनरेशन के लिए, और वहाँ तक सोर्स ऑफ कंटिन्यूस पैसिव इनकम जाएगी अगर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से आप स्टार्ट करते हो। पे आउट की बात करेंगे दोस्तों, पे आउट कंपनी आपको जनरल कमीशन के रूप में दे रही है, मास्टरशिप बोनस के रूप में दे रही है, और एजुकेशन सेंटर लीडर को दे रही है। तो 3 टाइप्स के पे आउट यहाँ पे अभी आपको मिल रहे हैं। तो जनरल कमीशन की बात करूँ, बाइनरी प्लान के अंदर, यूएलएम प्लान के अंदर, तो डेली बेसिस पे जो भी आपका पॉइंट वैल्यू मैच होता है उसका जो पे आउट है वो आपको वीकली बेसिस पे कंपनी देती है। तो जनरल कमीशन के 4 पे आउट कंपनी दे रही है, और मास्टरशिप बोनस के पे आउट महीने में 2 बार देती है, 1 से 15 तक की साइकिल का 22 तारीख को उसी महीने, और नेक्स्ट 16 से एंड ऑफ मंथ जो 30 या 31 का महीना होता है उसकी साइकिल का नेक्स्ट मंथ हाफ जो साइकिल है उसका जो पे आउट है वो आपको अगले महीने की 7 तारीख को देती है। तो हर महीने 4 पे आउट जनरल कमीशन के कंपनी आपको दे रही है, और 2 पे आउट आपको मास्टरशिप बोनस के दे रही है। इसके अलावा एजुकेशन सेंटर हेड को कमीशन बांट रही है कंपनी। अब नेक्स्ट है लाइफ टाइम एक्यूमुलेटेड पर्सनल पीवी। एक बार आप अपनी आईडी के ऊपर कुछ आइटम परचेज करते हैं तो उसके बदले में जो पॉइंट वैल्यू मिलता है वो आपकी आईडी के ऊपर एक्यूमुलेटेड होता रहता है, जुड़ता रहता है। कंपनी की कंडीशन है कि साल में 1 प्रोडक्ट बाय कीजिए, आपकी आईडी पे जो भी पॉइंट वैल्यू है वो कंटिन्यू बना रहेगा, लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट है कंपनी होस्टेड सक्सेस सिस्टम। तो कंपनी की सक्सेस के पीछे काफ़ी बड़ा हाथ है, वो एटोमी का एजुकेशन सिस्टम है। जैसा कि आपको पता है एटोमी 100% एजुकेशन के ऊपर फोकस करती है, तो कंपनी का खुद का सक्सेस एकेडमी है, वन डे सेमिनार्स होते हैं एटोमी इंडिया का, वन डे सेमिनार्स होते हैं, सक्सेस एकेडमी है खुद का, लाइक दैट कोरिया से, ठीक है। तो कंपनी होस्टेड सक्सेस सिस्टम, तो कंपनी के पास सक्सेस सिस्टम जो एजुकेशन सिस्टम है वो खुद का डिज़ाइन किया हुआ है और वो कंटिन्यूस चल रहा है। तो अभी कोरोना की वजह से ऑफलाइन सेमिनार्स नहीं हो रहे, तो ऑनलाइन सेमिनार यहाँ पर चल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्वल अपॉर्चुनिटी। जब भी आप एटोमी के अंदर ज्वाइन होते हो तो यहाँ पे हर आदमी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी एटोमी प्रोवाइड करती है। डिपेंड करता है कि आप जहाँ से स्टार्ट होते हो आपके पास सेम अपॉर्चुनिटी है, जो आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले जिन लोगों ने ज्वाइन किया था उनके लिए जो सेम अपॉर्चुनिटी, वही अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपके लिए है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई लीडर पहले आ गया तो वो ही कुछ ले जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई टॉप में कोई आ गया अगर उसने ठीक तरीके से काम नहीं किया और उसके नीचे के लीडर्स ने अच्छे तरीके से काम किया, दोनों तरफ अपनी टीम को बैलेंस करके चले बाइनरी प्लान के अंदर, तो डेफिनेटली वो आगे निकल जाते हैं, और ऐसा ही होता है कंपनी के अंदर। ओके, तो यहाँ पर आप ऐसा मत सोचिए कि आपने लेट ज्वाइन किया हो, ठीक, आपने लेट ज्वाइन नहीं किया है। जब भी आप ज्वाइन कर रहे हो वहीं से आपके पास एटोमी के लिए सारी की सारी संभावनाएं आपके पास है, और इक्वल अपॉर्चुनिटी है आपकी सक्सेस के लिए।
एटोमी क्या कर रही है यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया जब आप यहाँ पे एक टीम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो तो यहाँ पे आपका जो फोकस है दो साइड में होता है, आपके लेफ्ट की टीम और राइट की टीम, तो दोनों तरफ अगर आप फोकस करके चलते हो तो यहाँ पे आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो। और जैसा कि आपको पता है कल्चर ऑफ शेयरिंग है, आपने यहाँ पे दो साइड में टीम डेवलप की, सेम आप अपनी टीम को बोलिए कि दोनों साइड काम करें बाइनरी प्लान के अंदर। और एटोमी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं अगर आप यूज़ करते हो यहाँ पे और उसको शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस कि ये प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया और इसका ये बेनिफिट है, तो कल्चर ऑफ शेयरिंग है एटोमी का इन द सेंस ऑफ प्रोडक्ट के मामले में भी और इन द सेंस ऑफ हेल्प करने के मामले में। तो हम यहाँ पे अपने बिजनेस पार्टनर्स का हेल्प कर रहे हैं डेफिनेटली, और एटोमी के प्रोडक्ट्स को हम शेयर कर रहे हैं। और एटोमी डायरेक्टली क्या है कि कंज्यूमर्स का नेटवर्क है और उससे आगे हमें सोचना है, कंज्यूमर सक्सेस ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है, तो जितने भी जो सेटिस्फैक्शन होता है कंज्यूमर्स का और उनकी सक्सेस के लिए एटोमी काम कर रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एटोमी एक कंज्यूमर ओरिएंटेड बिजनेस प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब बात करेंगे हम यहाँ पे कि एटोमी में अगर आप ज्वाइन होते हो तो यहाँ पे आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, तो पांच टाइप के आपको बेनिफिट्स यहाँ पे मिल सकते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है रिटेल प्रॉफिट। एटोमी आपके पास, आपको पता है कि डीपी प्राइस और एमआरपी प्राइस दो प्रकार के प्राइस होते हैं एटोमी के पास, तो यहाँ पे आप एटोमी के डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो तो डीपी प्राइस पे आइटम कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हो और उसको एमआरपी पे सेल कर सकते हो, और जो मार्जिन है डीपी प्राइस और एमआरपी प्राइस का अप टू 25% यानी कि 25% तक, अप टू बोल रहा हूँ ये ध्यान रखने की बात है, 25% तक किसी प्रोडक्ट पे 18% मार्जिन मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा रिटेल प्रॉफिट, किसी पे 20 मिलेगा, किसी पे 22 और किसी पे 25, अप टू 25% तक आप रिटेल बेनिफिट उठा सकते हो लीगली, ओके। सेकंड जो बेनिफिट है आपका एटोमी ज्वाइन करने का, यहाँ पे ये एक बाइनरी प्लान है, तो सबसे पहले आपको मॉडल को समझना होगा एटोमी। यहाँ पे अगर आपको सक्सेस होना है तो अपनी दोनों तरफ टीम बनानी पड़ेगी आपको, और जितने भी आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं उनको भी बोलिए वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रेडी करें, अपने लेफ्ट एंड राइट में टीम क्रिएट करें। तो यहाँ पे जब आप लेफ्ट एंड राइट में टीम बनाते हो तो आपका जनरल कमीशन के लिए आप अथोराइज होते हो, क्योंकि लेफ्ट का ग्रुप परचेजिंग करेगा, राइट का ग्रुप परचेजिंग करेगा, और जो भी पॉइंट वैल्यू मैच होगा यहाँ पे वो उसको बोलते हैं हम यहाँ पे जनरल कमीशन। तो डेली बेसिस पे आप जनरल कमीशन ले सकते हो 1321 रुपए से अप्रोक्सीमेट 79,000 रुपीस तक आप उठा सकते हो पर डे की कैपिंग है कंपनी के, ठीक है। तो जनरल कमीशन आप महीने में 4 बार ले सकते हो, ये सेकंड बेनिफिट है कंपनी जो आपको दे रही है अगर आप एक अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम बना के चलते हो बाइनरी मॉड्यूल के अंदर, ओके। थर्ड जो बेनिफिट है बहुत बड़ा है जिसके लिए हम सभी लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मास्टरशिप बोनस। जैसा कि जनरल कमीशन तो एक्सेप्ट संडे आपका डेली बेसिस पे जो पॉइंट वैल्यू मैच होता है उसके ऊपर मिलता है, और मास्टरशिप बोनस का जो पे आउट है वो आपको महीने में 2 बार मिलता है, 2 साइकिल होती है कंपनी की, 1 तारीख से 15 तारीख और 16 तारीख से लेकर के एंड ऑफ मंथ। वो एंड ऑफ मंथ चाहे 30 का हो, 31 का हो, 28 का हो या 29 का हो, डिपेंड करता है, तो 2 साइकिल होती है कंपनी की तरफ से आपको। तो यहाँ पे जो मास्टरशिप बोनस है वो हर महीने आपको मिलेगा 2 टाइम्स, हर महीने की 7 तारीख को और 22 तारीख को यहाँ पे आपको मिलता है। अब उसके बाद मैं बात करूँगा आपको जो नेक्स्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, नेक्स्ट जो बेनिफिट है कंपनी का, फोर्थ मास्टरशिप प्रमोशन एंड इंसेंटिव। तो दोस्तों ये एक ऐसी कंपनी है जो कि आपको इंसेंटिव के रूप में जब आप मास्टरशिप लेवल अचीव कर लेते हो तो 1 टाइम आपको मास्टरशिप का प्रमोशन, अवार्ड, रिवार्ड और इंसेंटिव्स देती है। तो कंपनी यहाँ पे कैश प्रमोशंस भी आपको देती है, ठीक है, कैश अवार्ड भी यहाँ पे देती है, शेयर ऑन रोज मास्टर से स्टार्ट होता है वो, ठीक है, और अप टू इम्पेल मास्टर तक चलता है। तो बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसी पहली कंपनी है जो आपको कैश में भी रिवार्ड के रूप में इंसेंटिव दे रही है, ओके। और मास्टरशिप के प्रमोशन और अवार्ड 1 टाइम होते हैं यहाँ पे, ठीक है। पांचवा बेनिफिट यहाँ पे दोस्तों एजुकेशन कमीशन। अगर आप यहाँ पे एजुकेशन सेंटर ओपन करते हो तो 1 महीने के अंदर जितने भी प्रोडक्ट आपके सेंटर से परचेज करते हैं आपका सेंटर ऑप्शन करके, तो वहाँ पे भी कमीशन देती है कंपनी आपको 6%, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के जो बेनिफिट है ये आपको कंपनी देती है, रिटेल प्रॉफिट, जनरल कमीशन, मास्टरशिप बोनस और मास्टरशिप अचीव करने के बाद 1 टाइम प्रमोशन, अवार्ड एंड रिवार्ड, ठीक है, और उसके बाद एजुकेशन सेंटर। तो एटोमी में आप 5 टाइप्स के बेनिफिट्स उठा सकते हैं,
अब बात करेंगे हम कमीशन्स के टाइप्स। तो जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, फर्स्ट कमीशन है जनरल कमीशन, तो जनरल कमीशन, उसके बाद मास्टरशिप बोनस, उसके बाद प्रमोशन अवार्ड एंड रिवार्ड, और उसके बाद एजुकेशन सेंटर। तो इसमें कमीशन्स के टाइप की स्ट्रक्चर दिखा रखा है यहाँ पे। रिटेल प्रॉफिट, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर आप एटॉमिक के डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो तो आप 25% तक एटॉमिक के प्रोडक्ट्स को सेल करके 25% तक रिटेल प्रॉफिट उठा सकते हो, जो कि मार्जिन है डीपी प्राइस और एमआरपी प्राइस के बीच का। ओके, सेकंड जो प्रॉफिट कंपनी आपको दे रही है जनरल कमीशन का, अप टू 44% ऑफ ग्लोबल पीवी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करती है कंपनी, ठीक है। जब आप लोग क्वालिफाई करते हो तो कंपनी यहाँ पे आपको जनरल कमीशन के रूप में दे रही है पैसा। थर्ड है मास्टरशिप बोनस, 20% ऑफ ग्लोबल पीवीज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी अचीवर्स, ठीक है। और इसमें मास्टरशिप प्रमोशंस के लेने के 7 लेवल है यहाँ पे। ओके, फोर्थ है मास्टरशिप प्रमोशन एंड इंसेंटिव, तो वन टाइम देती कंपनी आपको, ये ध्यान रखना है आपको। जब आप कोई भी मास्टरशिप अचीव करते हो तो उसके अवार्ड एंड रिवार्ड वन टाइम कंपनी देती है, ठीक है। तो उन अचीवमेंट ऑफ मास्टरशिप रैंक वन टाइम इंसेंटिव विल बी अवार्डेड टू क्वालिफाई मेंबर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स। पांचवा जो कमीशन है एजुकेशन सेंटर का कमीशन है, तो यहाँ पे कंपनी आपको जितने भी अप्रूव एजुकेशन सेंटर हैं, ट्रेनिंग सेंटर है कंपनी के, उसमें एटॉमिक के कंपनसेशन प्लान्स, प्रोडक्ट पॉलिसीज, प्रोसीजर शैल बी प्रोवाइडेड टू दी एनी कंज्यूमर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो यानी कि जितने भी अप्रूव्ड एजुकेशन सेंटर एंड ट्रेनिंग सेंटर है कंपनी के, उसमें 6% ऑफ सेंटर का जो टोटल पीवी पेड होता है एप्लीकेबल सेंटर टू कवर ऑपरेशनल एक्सपेंस। तो आपके सेंटर के जो भी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होता है उनको कवर करने के लिए कंपनी सेंटर हेड को 6% एजुकेशन सेंटर कमीशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट रिटेल प्रॉफिट, रिटेल प्रॉफिट का एग्जांपल दे रहा हूँ। अब जो पांच टाइप के प्रॉफिट हमने यहाँ पे आपको बताया, उसमें जो फर्स्ट टाइप का प्रॉफिट है रिटेल प्रॉफिट, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कंपनी ने बोला है कि आपको 25% तक हम रिटेल प्रॉफिट देंगे। डिस्ट्रीब्यूटर कैन अर्न अप टू 25% बाई सेलिंग एटोमी प्रोडक्ट। आप एटोमी के प्रोडक्ट लीगली सेल कर सकते हो डीपी प्राइस से एमआरपी प्राइस पे, ठीक है। सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूटर कैन परचेज प्रोडक्ट एट डीपी प्राइस एंड सेल देम एमआरपी प्राइस। तो डीपी प्राइस और एमआरपी प्राइस आपको पता होगा और प्रोडक्ट के ऊपर लिखा है, तो एमआरपी प्राइस से ज़्यादा एक पैसा भी आप नहीं दे सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिखा रखा है एटोमी फेम स्किन केयर सेट, इसका डीपी प्राइस है 6,700 और जीएसटी 18% लग करके 1,206 होता है, दोनों ऐड होते हैं तो 7,906 रुपये इसका होता है डीपी प्राइस। और एमआरपी प्राइस दिखा रखा है 9,100 और प्रॉफिट 1,194 रुपये है, जो कि आप यहाँ पे ले सकते हो। और प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो 15.8% है और पीवी 60,000 है। तो सेम अगेन 6,700 डीपी प्राइस है, ठीक है। तो डीपी प्राइस में टैक्स ऐड कर दिया तो 7,906 रुपये की चीज़ को आप 9,100 रुपये में सेल आउट कर सकते हो, 1,194। ये आपका रिटेल प्रॉफिट हो गया अप टू 15.1%। तो डिपेंड करता है अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर रिटेल प्रॉफिट अलग अलग है अप टू 25% तक। तो फेम के सेट में कंपनी आपको 15.1% का रिटेल प्रॉफिट यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है और 60,000 पीवी कर रही है, ठीक है। तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं कैन स्टार्ट अर्निंग ऑन एवरी सेल ऑफ ईच प्रोडक्ट बाय कीपिंग दी मार्जिन। तो आप एटोमी से ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट डीपी प्राइस पे बाई करते हो तो उसको एक निर्धारित मार्जिन के ऊपर सेल आउट कर सकते हो, जिसको हम एमआरपी प्राइस बोलते हैं, ठीक है। डीलरशिप क्लासिफिकेशन, पर्सनल परचेज एंड ग्रुप पीवी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी प्रोडक्ट आप एटोमी में बाई करते हो तो उसके प्रोडक्ट का पॉइंट वैल्यू आपके आईडी पे सेम टाइम एक्यूमुलेट हो जाता है। दूसरी कंपनीज में क्या होता है, आपको अगर टीम की इनकम जनरेट करनी है तो पर्सनल पीवी आपको हर महीने रीपरचेज करके मेंटेन करना है। एटोमी में ऐसा कुछ नहीं है, एक बार अगर आपने प्रोडक्ट बाई किया तो आपके आईडी पे पीवी बना रहेगा। साल में आप एक प्रोडक्ट बाई कीजिए और आपकी मेंबरशिप आईडी एक्टिवेट रहेगी एटोमी के अंदर। अब जनरल कमीशन की बात करेंगे हम, इसमें कुछ डीलरशिप क्वालिफिकेशंस हैं। तो डीलरशिप जो क्लासिफिकेशंस है उसका मतलब ये है कि आपकी पर्सनल आईडी के ऊपर जो भी पॉइंट वैल्यू है, जब जब आप प्रोडक्ट बाय करोगे तब तब आपको कंपनी पॉइंट वैल्यू देगी और उस पॉइंट वैल्यू के आधार पर कंपनी ने 5 डीलरशिप क्वालिफिकेशन है, मतलब आपका पॉइंट वैल्यू कितना होगा और आपको किस नाम से जाना जाएगा, ये चीज़ें इस स्लाइड में मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है फर्स्ट लेवल, सेकेंड डीलरशिप लेवल है एजेंट, फिर स्पेशल एजेंट, फिर डीलर, फिर एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर। जैसा कि आपको पता है कि कंपनी एक आईडी पे मैक्सिमम
आप 24 लाख पीवी एक्यूमुलेट कर सकते हो, उससे ज़्यादा का पीवी आपके एडी पे एक्यूमुलेट नहीं होगा। और 24 लाख पॉइंट वैल्यू आप कितने साल में करो, कंपनी कभी नहीं बोलेगी आपको कि आप परचेज करिए पीवी एक्यूमुलेट, कभी नहीं बोलेगी आपको। आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है, जब आपको रिक्वायरमेंट हो तब आप कर सकते हैं प्रोडक्ट परचेज। ओके, तो सबसे पहला लेवल है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। इसमें आपकी आईडी के ऊपर 10,000 पॉइंट वैल्यू से लेकर के 2,99,999 पॉइंट वैल्यू होता है, तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट लेवल है डीलरशिप, उसको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। सेकंड लेवल है एजेंट। एजेंट दो कंडीशन में आप बनते हो, या तो आपके आईडी पे 3 लाख पॉइंट वैल्यू होता है तो आपको एजेंट बोला जाएगा, या पिछले महीने में एज ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आपकी स्मॉलर लेग में 6 लाख पीवी का मैचिंग हुआ हो, लेफ्ट एंड राइट 6 लाख पीवी, तो इस कंडीशन में आप एजेंट बनते हो और पर्सनल आईडी पे वो 10,000 पॉइंट वैल्यू माना जाएगा। ठीक है, तो आपको जो कमीशन है वो उसी प्रकार से मिलेगा एजेंट के हिसाब से। थर्ड लेवल है स्पेशल एजेंट। या तो पर्सनल आईडी पे 7 लाख पॉइंट वैल्यू हो, या एज ए एजेंट आपने पिछले महीने 14 लाख पॉइंट वैल्यू का मैचिंग किया हो, लेफ्ट से 14 लाख, राइट से 14 लाख। ठीक है, फोर्थ लेवल डीलर। डीलर आप तब बनते हो, या तो आपकी आईडी पे 15 लाख पॉइंट वैल्यू पर्सनल होता है, या एज ए स्पेशल एजेंट आपने पिछले महीने में स्मॉलर लेग से 30 लाख पीवी की मैचिंग की हो, लेफ्ट से 30 लाख पीवी, राइट से 30 लाख, यानी कि मिनिमम स्मॉलर लेग से 30 लाख पीवी का मैचिंग। और लास्ट लेवल है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर। आप तब बनते हो जब आपके आईडी पे 24 लाख पॉइंट वैल्यू होता है, या पिछले महीने एज ए डीलर आपने स्मॉलर लेग से 48 लाख पीवी का बिजनेस किया हो, लेफ्ट से 48 लाख पीवी मिनिमम। ओके, तो जनरल कमीशन आपको तब मिलता है, यानी कि एटोमी से पे आउट आपको तब मिलेगा जब मिनिमम 10,000 पॉइंट वैल्यू आपके आईडी पे होता है, और एटलीस्ट वन डिस्ट्रीब्यूटर ऑन ईच साइड लैग एक्यूमुलेट डाउनलाइन पे, तो मिनिमम एक एक डिस्ट्रीब्यूटर आपके लेफ्ट एंड राइट में जुड़ता है, तब आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो जनरल कमीशन के लिए। ओके, नेक्स्ट। अब जनरल कमीशन के जो स्ट्रक्चर है एज पर डीलरशिप लेवल यहाँ पे दिखा रखा है आपको, बिल्कुल राइट से देखिए आप। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 8 लेवल है जनरल कमीशन के, तो मैं 8वें लेवल पे चलती हूँ, डीलरशिप। ठीक है, और डेली प्रमोशन, और ये स्कोर है, और ये कमीशन है। स्कोर कंपनी ने फिक्स किया है, जैसे स्कोर वाली टेबल पे चलिए आप, 5, 15, 30, 60, 90, 150, 250 और 300। तो फर्स्ट 5 का स्कोर आपको तब मिलेगा जब आपका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होगा, यानी कि 10,000 पॉइंट वैल्यू मिनिमम आपके आईडी पे होता है, तो लेफ्ट के ग्रुप से 3 लाख पीवी, राइट के ग्रुप से 3 लाख पीवी मैच होता है, तब आपको 5 का स्कोर के लिए एलिजिबल होता है। और फर्स्ट पे आउट 1,321 रुपये मिलता है आपको कंपनी की तरफ से, और कैरी फॉरवर्ड अप टू 3 लाख है, उसके बाद कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है, यानी कि आपका जब तक 3-3 लाख पॉइंट वैल्यू मैच नहीं होता तब तक आपको कमीशन नहीं मिलेगा। जैसे ही 3-3 लाख पॉइंट वैल्यू मैच हो जाता है तो यहाँ पे आपको 5 का स्कोर मिलेगा और इतना पे आउट मिलेगा। सेकंड लेवल है एजेंट, यानी कि पर्सनल आईडी पे आपका 3 लाख पॉइंट वैल्यू होता है और लेफ्ट एंड राइट के ग्रुप में 3-3 लाख पॉइंट वैल्यू मैच होता है, तो यहाँ पे आपका स्कोर 5 से बढ़कर 15 हो जाता है, तो 15 का स्कोर मिलता है और 3,964 का पे आउट आपको यहाँ पे कंपनी देती है। और नेक्स्ट जो लेवल है स्पेशल एजेंट, यानी खुद की आईडी पे 7 लाख पॉइंट वैल्यू और लेफ्ट एंड राइट में 7-7 लाख पॉइंट वैल्यू मैच होता है, तो 30 का स्कोर मिलता है और पॉइंट जो पैसा है 7,929 रुपये मिलता है। फिफ्थ लेवल है डीलर। डीलर आप तब बनते हो जब आपकी पर्सनल आईडी पे 15 लाख पॉइंट वैल्यू होता है और लेफ्ट एंड राइट में अगर 15-15 लाख पॉइंट वैल्यू मैच होता है, तो 60 का स्कोर मिलता है और आपको पैसा मिलता है 15,857। फोर्थ ईडी, पर्सनल आईडी पे 24 लाख पॉइंट वैल्यू और लेफ्ट और राइट में एक दिन में अगर 24-24 लाख पॉइंट वैल्यू मैच हो जाता है, तो यहाँ पे आपको 90 का स्कोर मिलता है और 23,786 रुपये आपको मिलता है। उसके बाद पर्सनल आईडी पे आपका 24 लाख पॉइंट वैल्यू रहेगा, यहाँ पे आप एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हो यहाँ पे। ठीक है, और ये ईडी बन गए हो, तो जो ईडी का 24 लाख पॉइंट वैल्यू ये आपके आईडी पे बना रहेगा, अगले साल एक प्रोडक्ट बाय कीजिए, ये पॉइंट वैल्यू पर्सनल कंटिन्यू आपके आईडी पे रहेगा, पर्सनल आईडी पे। लेकिन नीचे का जो डाउनलाइन का लेफ्ट का 60 लाख पीवी और राइट का 60 लाख पीवी मैच होता है, तो 150 का स्कोर मिलता है और 39,644 रुपये यहाँ पे आपको मिलता है। नेक्स्ट है ईडी खुद का लेवल है, 24 लाख पॉइंट वैल्यू आपके आईडी पे है और 2 करोड़ पॉइंट वैल्यू लेफ्ट में, 2 करोड़ राइट में मैच होता है, तो यहाँ पे 250 का स्कोर मिलता है और पेमेंट मिलती है उस दिन में 66,000। लास्ट है 24 लाख पॉइंट वैल्यू खुद की आईडी पे और नीचे 5 करोड़
लेफ्ट के ग्रुप से 5 करोड़, राइट के ग्रुप से पॉइंट वैल्यू मैच होता है, तो यहाँ पे 300 का स्कोर मिलता है जो कि 79,287 रुपीज़ एक दिन का मैक्सिमम कैपिंग है, 1321 रुपये से लेकर के 79,287 रुपये। तो ये आपका जनरल कमीशन का स्ट्रक्चर है। ओके, एटोमी इंडिया की वेबसाइट का नाम www.atomy.com/in है। ये एटोमी इंडिया की वेबसाइट है जहाँ पे आप लोग शॉपिंग कर सकते हो ऑनलाइन, और एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है एटोमी ऑफिशियल के नाम से, वो आप डाउनलोड कर सकते हो, शॉप कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट्स का ऑर्डर लगा सकते हो। और जनरल कमीशन का जो पे आउट डेट्स है, हर मंगलवार को पे आउट यहाँ पे आपको मिलता है, ठीक है। पीवी का कैलकुलेशन डेली बेसिस पे होता है एक्सेप्ट संडे, ओके। और ट्यूसडे हर महीने के ट्यूसडे को पे आउट मिलता है, जैसे 6 तारीख, 13 तारीख, 20 तारीख, 27 तारीख, ये एग्जांपल के तौर पे पे आउट यहाँ पे आपको वीकली मिलता है। ओके, लाइक दैट। नेक्स्ट, अब बात करेंगे हम थर्ड टाइप का बेनिफिट, मास्टरशिप बोनस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं सभी के सभी लोग। तो कंपनी यहाँ पे 20% ऑफ टोटल सेल्स पीवी ऑफ कंपनी के ऊपर आपको यहाँ पे मास्टरशिप बोनस देती है। फर्स्ट लेवल सेल्स मास्टर है, जितने भी लोग सेल्स मास्टर बनते हैं एक साइकिल में, उनको 20% में से 10% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, हाफ फर्स्ट लेवल पे। ये ऐसी कंपनी है जो हाफ 10% डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। सेकंड लेवल पर डायमंड मास्टर है, थर्ड शेरोन, फिर स्टार, रॉयल क्राउन और इम्पेल। तो इस प्रकार से परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये कैलकुलेट होता है कंपनी का, जो कि आपको पे आउट के रूप में मिलता है अगर आप क्वालिफाई करते हो तो, ठीक है। अब बात करेंगे हम यहाँ पे सेल्स मास्टर बनने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। सेल्स मास्टर बनने के लिए मिनिमम 7 लाख पीवी आपके आईडी पे होना चाहिए, स्पेशल एजेंट का मतलब 7 लाख, और लेफ्ट के ग्रुप से 25 लाख पॉइंट वैल्यू, राइट के ग्रुप से 25 लाख पॉइंट वैल्यू मैच होता है, तो यहाँ पे आप सेल्स मास्टर क्वालिफाई करते हो, ठीक है। और 10% ऑफ टोटल पीवी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली टू सेल्स मास्टर, ठीक है। सेकेंड कंडीशन ये है, इफ़ द टोटल पीवी ऑफ स्मॉलर लैग एक्सेड 3 लाख पॉइंट वैल्यू, पर्सनल पीवी एक्वायर्ड ड्यूरिंग द पॉइंट एकोमोलेशन पीरियड कैन बी एडेड टू द स्मॉलर लैग टू अचीव मास्टरशिप। ये सेकेंड टाइप ऑफ है। तो आप अगर सेल्स मास्टर बनना चाहते हो तो खुद की आईडी पर 7 लाख पॉइंट वैल्यू उस साइकिल में होना चाहिए आपका, और लेफ्ट एंड राइट में 25-25 लाख पॉइंट वैल्यू मैच होता है, तो यहाँ पे आप सेल्स मास्टर बनते हो। 15 दिन का साइकिल होता है, 1 से 15 तारीख के बीच में आपके लेफ्ट के ग्रुप से 25 लाख पे भी, राइट के ग्रुप से 25 लाख पॉइंट वैल्यू मैच होता है, तो यहाँ पे आप सेल्स मास्टर के लिए क्वालिफाई करते हो। सेकेंड है डायमंड मास्टर। डायमंड मास्टर अगर आप बनना चाहते हो तो 15 दिन फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ एक महीने का, किसी भी हाफ में लेफ्ट से 2 सेल्स मास्टर, राइट से 2 सेल्स मास्टर, तब आप यहाँ पे डायमंड मास्टर बनते हो। थर्ड शेरोन रोज मास्टर, 2 डायमंड लेफ्ट में, 2 डायमंड राइट में, तब यहाँ पे आप शेरोन रोज मास्टर के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। और आगे स्टार मास्टर बनने के लिए शेरोन रोज मास्टर का 2 टाइम्स और मेंटेन करना है, यानी कि शेरोन रोज मास्टर का लेवल 3 टाइम्स आप मेंटेन करना है, उसके लिए टाइम बार नहीं है। एक बार आपने क्वालिफाई कर लिया, फिर 2 टाइम्स और क्वालिफाई करना है, उसके बाद आप स्टार मास्टर के लिए क्वालिफाई करते हो। तो 2 SRM लेफ्ट में, 2 शेरोन रोज मास्टर राइट में आपको चाहिए, तब आप स्टार मास्टर बनते हो। सेम वे में नेक्स्ट लेवल है, 2 टाइम्स स्टार मास्टर और क्वालिफाई करना होगा, फिर लाइक दैट रॉयल मास्टर में 2 स्टार मास्टर लेफ्ट में, 2 राइट में, और फिर इसको 2 टाइम और मेंटेन करना है, फिर क्राउन के लिए 2 रॉयल मास्टर लेफ्ट में, 2 रॉयल मास्टर राइट में, और 2 टाइम्स और मेंटेन करना है क्राउन मास्टर को आपको, और उसके बाद आप इंपिल मास्टर बनते हो, 2 क्राउन लेफ्ट में, 2 क्राउन राइट में, लाइक दैट, जो कि सभी का टारगेट है। और टर्म्स ऑफ प्रमोशन यहाँ पे बिल्कुल दिखा रखा है, सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर, शेरन रोज मास्टर फर्स्ट टाइम, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप बन सकते हो। डायरेक्ट आप डायमंड मास्टर जा सकते हो और उससे ऊपर नहीं जा सकते डायरेक्ट एक साइकिल के अंदर। ओके, अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार मास्टर, रॉयल, क्राउन, इंपीरियल के लिए मस्ट अचीव प्रीवियस मास्टरशिप 3 टाइम्स बिफोर बीइंग प्रमोटेड ऑन टू नेक्स्ट मास्टरशिप लेवल। अगर आपको स्टार मास्टर बनना है तो SRM आपको 2 टाइम और मेंटेन करना होगा, यानी कि स्टार मास्टर बनने के लिए 3 टाइम्स आपको शेरोन रोज मास्टर क्वालिफाई करना होगा, ठीक है, सेम वे में। ओके, ठीक है, ऐसे ही रॉयल, क्राउन और इंपीरियल है। और राइट साइड में प्रमोशन ऑफ 2 लेवल इन 1 एंट्री इज नॉट प्रमोटेड बियॉन्ड डायमंड मास्टर। ओके, तो डायमंड मास्टर आप डायरेक्ट बन सकते हो, उससे ऊपर आप नहीं बन सकते हो, ये कंडीशन है कंपनी की। तो आई होप टर्म्स ऑफ प्रमोशंस यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट, मास्टरशिप बोनस पे आउट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आप 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच मास्टरशिप लेवल क्वालिफाई करते हो, तो उसका पे आउट आपको उस महीने की 22 तारीख को
मिल जाता है। ओके 15 तारीख तक आपने मशरफ क्वालिफाई कर ली तो 22 तारीख को पे आउट मिलेगा, और 16 तारीख से 31 तारीख की जो साइकिल है उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हो तो अगले महीने की 7 तारीख को आपको मशरफ बोनस कंपनी यहाँ पे देती है। ठीक है, तो फर्स्ट साइकिल 1 to 15 इसका पे आउट 22 तारीख को मिलेगा सेम मंथ, सेकेंड साइकिल 16 से एंड ऑफ मंथ है उसका पे आउट 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ मिलेगा। ओके अब आता है मास्टरशिप प्रमोशंस एंड इंसेंटिव। तो दोस्तों सेल्स मास्टर बनने के लिए 7 लाख पॉइंट वैल्यू आपके पर्सनल आईडी पे होना चाहिए 15 दिन के अंदर। लेफ्ट के ग्रुप से राइट के ग्रुप से 25-25 लाख पॉइंट वैल्यू मैच होता है तो यहाँ पे आप सेल्स मास्टर बनते हो। और गिफ्ट के रूप में एटोमी इंडिया की तरफ से आपको फेम के 2 सेट मिलेंगे, ठीक है, और एटोमी इवनिंग केयर का 1 सेट मिलेगा। नेक्स्ट है डायमंड मास्टर। डायमंड मास्टर बनने के लिए आपकी पर्सनल आईडी पे 15 लाख पॉइंट वैल्यू होना चाहिए, लेफ्ट में 2 सेल्स मास्टर, राइट में 2 सेल्स मास्टर। आप 15 दिन के अंदर क्वालिफाई करते हो तो यहाँ पे आपको एक लैपटॉप कंपनी देती है, और एटोमी इवनिंग केयर का 1 सेट और एटोमी फेम का 2 सेट कंपनी यहाँ पे आपको इंसेंटिव के रूप में प्रोवाइड करती है। उसके बाद है शिरोन रोज मास्टर। जैसा कि मैं कैश अवार्ड की बात कर रहा था आपसे, शिरोन रोज मास्टर बनने के लिए खुद की आईडी पे आपका 24 लाख पे भी होना चाहिए, और लेफ्ट से 2 डायमंड मास्टर, राइट से 2 डायमंड मास्टर अगर आप बनाते हो 15 दिन के अंदर तो यहाँ पे कंपनी आपको 1,20,000 कैश देती है और 2 टिकट देती है टूर के, ठीक है, 3 नाइट और 4 दिन का। ओके ये कंपनी की तरफ से आपको अवार्ड मिलता है। और उसके बाद है स्टार मास्टर। स्टार मास्टर बनने के लिए खुद की आईडी पे वही 24 लाख पीवी, और लेफ्ट से 2 शिरोन रोज मास्टर, राइट से 2 शिरोन रोज मास्टर, और कंपनी यहाँ पे आपको 6 लाख रुपए कैश देती है स्टार मास्टर को, और 4 टिकट देती है 3 नाइट और 4 दिन के। नेक्स्ट है रॉयल मास्टर। रॉयल मास्टर जैसा कि नाम ही है सर, रॉयल, तो यहाँ पे आपकी रॉयल लाइफ स्टार्ट हो जाती है रॉयल मास्टर से, और कंपनी आपको यहाँ पे 30 लाख रुपए कैश देती है और एक क्रेडिट कार्ड देती है। स्पॉन्सरिंग मनी यानी कि कंपनी की एक्टिविटी को स्पॉन्सर करने के लिए आपको पैसा दिया जाएगा, 1,20,000 का क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, उसमें हर महीने आपके अकाउंट में 1,20,000 रुपये आएगा, तो वो खर्च करना है आपको कंपनी की स्पॉन्सरिंग एक्टिविटी के ऊपर। और एक कार रेंटल फीस दी जाती है, कार जहाँ भी जाओगे आप कार से जाओगे, और उसका हर महीने का फिक्स अमाउंट कंपनी आपको देगी, कार का पैसा, किराया जिसको बोलते हैं किराया, रेंट। ओके नेक्स्ट है 4 पैकेज, 4 टिकट देगी आपको 10 नाइट और 11 दिन के 4 टिकट। उसके बाद आता है दोस्तों क्राउन मास्टर। यहाँ पे आप क्राउन मास्टर बनने का क्वालिफिकेशन खुद की आईडी पे वही 24 लाख पॉइंट वैल्यू, लेफ्ट से 2 रॉयल मास्टर, राइट से 2 रॉयल मास्टर, तो यहाँ पे आप क्राउन मास्टर बनते हो, और कंपनी यहाँ पे आपको 1,80,00,000 रुपए कैश देती है। दोस्तों 1,80,00,000 बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों, ठीक है, और क्रेडिट कार्ड के रूप में 3 लाख रुपए पर मंथ आपके अकाउंट में आएंगे क्रेडिट कार्ड में, और एक लग्जरी कार देती है आपको, और 4 टिकट आपको देती है 10 नाइट और 11 दिन के। और लास्ट का लेवल है इंटेल मास्टर, जिसके लिए हम सब लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और सभी का सपना है कि सभी के सभी लोग यहाँ पे अचीव करें। ओके और सभी के सभी अचीव करेंगे, तो यहाँ पे वही 24 लाख पॉइंट वैल्यू खुद की आईडी पे, 2 क्राउन लेफ्ट में और 2 क्राउन राइट में, तो कंपनी 6 करोड़ रुपए कैश देती है यहाँ पे आपको, और क्रेडिट कार्ड के रूप में 6 लाख रुपए हर महीने आपके अकाउंट में आएंगे। एक ऑफिस देती है और एक पीए देती है, ऑफिस का रेंट कंपनी पे करेगी, पीए की सैलरी कंपनी उसके अकाउंट में देगी, और एक लग्जरी कार मिलती है यहाँ पे आपको, और 4 टिकट मिलेंगे 10 नाइट और 11 दिन का। तो ये कंपनी का लास्ट लेवल है, और अभी तक एटोमी के अंदर 8 इंपिल मास्टर बन चुके हैं ग्लोबली, और बहुत ही जल्दी इंडिया से सभी लीडर्स इंपिल मास्टर बनेंगे डेफिनेटली। तो आशा करता हूँ कि आज का जो कंपनसेशन प्लान है एटोमी का आपको बिल्कुल पसंद आया होगा, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे को कॉल कर सकते हैं, और आपको उसका क्लैरिफाई किया जाएगा। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और एटोमी दोस्तों बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और थोड़े दिनों में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, एटोमी पर्सनल प्लेटफॉर्म आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टेक्नोलॉजी आ रही है, 4D ऐप आ रही है, XR टेक्नोलॉजी आ रही है, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर के आ रही कंपनी, और आगे जो फ्यूचर है इंडिया के अंदर बहुत बड़ा फ्यूचर है, और अभी तो स्टार्टिंग है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर, शिरोन रोज मास्टर बन चुके हैं इंडिया के अंदर, और नेक्स्ट बारी है आपकी। अगर आप एटोमी में ज्वाइन होते हो तो यहाँ पे अपने टीम को बिल्ड कर लीजिए, और अपने बिजनेस पार्टनर्स की सक्सेस के लिए काम कीजिए, डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल। और अभी तक अगर आपने एटोमी ज्वाइन नहीं किया है तो आप
टीम वॉरियर के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टीम वॉरियर का एजुकेशन सिस्टम एंड ट्रेनिंग का सपोर्ट आपको मिलेगा ग्लोबली, डेफिनेटली वी विल सपोर्ट यू। और आप ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं मेरे को, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि एटोमी पे आउट कंपनसेशन प्लान से संबंधित डाउट्स क्लियर हो सके पूरे की पूरी टीम के। और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए सभी का थैंक यू वेरी मच।